Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could बॉडीगार्ड बुलाओ और निकालने की तैयारी करो, ठीक है? ओके,
तो मुलाकात हो जाए थ्री डी से किम पाओ, किम जी मिन, किम जी ने द होल वर्ल्ड माफिया बॉस। बट दुनिया के लिए टक्कर देने वाले किम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के तीन ओनर्स थे ये। उनकी रियल आइडेंटिटी किसको नहीं पता, किम पाओ जितनी क्रूर है उतनी ही डेविल है। अपनी फैमिली और बिजनेस के आगे इनके लिए कुछ नहीं है। किम जी मिन फैमिली के लिए फनी एंड स्वीट है बट बिजनेस एंड माफिया के लिए निर्दयी है। किम जी ने दोनों बहन और डैड के लिए अगले करी बेटी है बट माफिया के लिए हार्टलेस। My dil goes aati hai wo aise chal ke jaise jannat mein rehti hai dikhti hai sabko aise om bhut bhubat suha hey maiya mere teenon beto ko aapne sanskari aur agkari banaya hai aapka shukriya nautan ki agar khatam ho gayi ho to aapne beto ko zara bulaoge ha ha bula dao beta naam jana beta suga और मेरा छोटा सा प्यारा सा दुलाल सा बेटा जंकू का अपने तस्वीर लेकर बाहर आ जाइए। आपके पिताश्री आप लोगों का दर्शन करना चाहता है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हाँ हाँ मेरा बड़ा बेटा कितना संस्कारी है। भैया कसम मैं फांसी लगाने जा रहा हूँ, ये क्या है? डैड सारा साइड हटेंगे, नाश्ता करना है। थैंक यू डैड, वैसे ये जूस बहुत अच्छा है। नमजुना ये दोनों तेरे भाई है ना? डैड तो आपको आपको पता होगा ना, वो भी है। हाँ क्या बोलती है? नमजुना आपने डैड से ऐसे कौन बात करता है? क्या मैया ऐसे बता दिया? कुछ मान 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 कुछ पानी चलो नाश्ता कर लो। आके आप चियन फैमिली से मुलाकात हो जाए। चियन चंद चियन सुधा चियन नमजुन बिगेस्ट माफिया किंग, इनकी भी आइडेंटिटी किसको नहीं पता। दुनिया के लिए ये भी रिचेस्ट बिजनेसमैन है चोन जांगल। वैसे तो बहुत ही रोमांटिक किस्म का है बट माफिया में इनके जैसा डेविल और कोई नहीं है। चोन सुगा सबके आगे इनके लिए इनके दो भाई है। फिर बाकी सब ये दुनिया के लिए फनी और क्यूट होना है बट माफिया के लिए ये साइकोपैथ से कम नहीं है। चोन नामजुन घर का आज्ञाकारी और समझदार बेटा अपने दोनों भाई पर छान छिड़कता है बट माफिया में मॉन्स्टर है। आप इनसे मिल लो। चियोनायो एंड चियोनली इन तीन सुपुत्र की मॉम डैड। चियोनायो क्यूट और एंग्री है, चियोनली फनी और काइंड हार्टेड है एंड बिजनेसमैन भी। नाइट पे मीटिंग है, सभी ने इन्फॉर्मेशन भेजी है बट हमें केयरफुली जाना होगा फिर से। हाँ यार भाई ये हर बार तू छुप कर मीटिंग करना पड़ता है ताकि हमारे फैमिली पर कोई खतरा ना है और मॉम डैड को नहीं पता कि हमारे असली काम क्या है। बिजनेस तो बस एक शो ऑफ है, शंकु इज राइट। बस उनके साथ मीटिंग अच्छे से हो जाए। क्लाइंट कौन है वो तो नहीं बताया, उनको भी अपना आइडेंटिटी छुपा कर रखना पसंद है। बस ये लिखा है इन्फॉर्मेशन में, मतलब लड़का है या लड़की है वो भी नहीं बताया। नहीं वैसे तुझे क्यों जानना है क्लाइंट लड़का है या लड़की? नहीं बस ऐसे ही बोले, सब समझता हूँ तेरे इरादे, समझ गए ना? अब मुंह बंद कर। बुलावे तुझे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग नया अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना है। मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। माता जी बहुत शुक्रिया, मुझे तीन कोमल जैसी बेटियां दिया है आपने, मैं सच में भाग्यशाली हूँ। Thank you.
मॉर्निंग बच्चों, ओ कितनी प्यारी हो तुम तीनों। चलो चलो नाश्ता ठंडा हो जाएगा, आज मैं अपने हाथों से बनाया है। पापा आपने क्यों तकलीफ की, मैं थी ना। अरे बच्चों के लिए ना बनाओ तो किसके लिए बनाओ, आप चलो। हाँ चलो, फिर ऑफिस भी जानी है। अलताब इनके पिताश्री से मिल लो, किम जे हो, फनी और सॉफ्ट हार्टेड रहता है एंड बिजनेसमैन भी, बट अब ये रिटायर्ड है। इनकी तीनों बेटी ही कंपनी को हैंडल करती है, बट इनको भी नहीं पता कि इनके तीन कुमल जैसी बेटियां असलियत में डेविल क्वींस है। बहुत जल्द तुम्हें एक कबर खुलना होगा। फिर से अब किसके लिए मैम? खुद के लिए, अगर अभी नहीं गया ना तुम तो कबर में पक्का जाओगे। ये जा रहा हूँ मैं, भगी अंजन भगू। तेरी अंजन भाग जा रहा है काम पे। दीदी रात को मीटिंग है, अंजन ने बताया। वैसे किसके साथ है? वो वही जाके पता चलेगी। क्लाइंट जो भी हो बस डील होनी चाहिए, हमें डील से मतलब है। हाँ बट मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उनको भी खुद की आइडेंटिटी रिवील करना पसंद क्यों नहीं है। कई वो लोग अंडर कवर एजेंट तो नहीं है ना, हमें पकड़ने आया हो और ये डे बस एक सरिया है। अगर ऐसी बात है तो वो लोग जानते नहीं है किससे उलझ रहे हैं। मुझे नहीं लगती कि वो एजेंट होंगे, क्योंकि हम कभी सबूत नहीं छोड़ते, तो हमारे खिलाफ सबूत ढूंढना आसान नहीं है। हाँ समझ गई, वैसे क्या मैं अपने काम शुरू करूँ? हाँ, और ऐसे करना था कि उनको भनक ना लगे। ओके बॉस। फिर जुमिन अपने काम में चल जाती है। क्या हुआ, डैन ने दूसरी शादी कर लिया क्या? नहीं, कब से कोशिश कर रहा हूँ क्लाइंट के बारे में एक भी डिटेल्स मिल जाए, बट मिल ही नहीं रहा। हमारे बेस्ट हैकर भी उनके बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रहे। आखिर ये लोग है कौन? ओ ये बात है, तो काई को खाली पीली दिमाग को कष्ट देने का, रात को जा रहे ना वही जान लेंगे। शुगा ये मजाक का टाइम नहीं है, कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला कि माफिया में सिर्फ हम किंग्स नहीं है, माफिया के क्वींस भी है। बट वो लोग कौन है, कहाँ रहती है, दिखती कैसी है, किसी को भी नहीं पता। क्या इतना बड़ा धोखा? और मुझे जहाँ तक पता है भाई, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत यूनिक है, तभी तो उनके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। आई थिंक सो। मैया कसम, अगर किसी दिन ये माफिया क्वींस मिल जाए ना तो पूछूंगा उन्हें कि बहन जी क्यों हमारे पेट में लात मार रहे हो, घर की काम करो ना, ये माफिया में क्यों? हाँ और तुझे क्या लगता है, तू सही सलामत लात पाएगा? माफिया में जो आता है वो हार्टलेस बन जाता है जैसे हम है। यार डरा मत। ओके अब शांत हो जाओ और निकलने का तैयारी करो। वैसे ए जंकुक, तुझे क्या लगता है कि हमसे कभी ये माफिया क्वींस से मुलाकात हो पाएंगे? मैं क्या कोई ज्योतिष नजर आ रहा हूँ तुझे? हाँ इसकी तो। छुपा रही हो हमसे?
नहीं नहीं किंग्स, बस ये कहना चाहती हूँ कि झटका जलने के लिए रेडी हो जाइए। सुबिन, इसका मतलब क्या है? मेरा शक सही था, वो अंडरकवर एजेंट है। हाश, सुबिन, तुम ही अच्छा नहीं किया। नहीं नहीं किंग्स, आप लोग गलत समझ रहे हो। इनको मैं अब कैसे समझाऊँ? मेरी बात सुनिए। सपने में आऊंगा। बाय बाय, सायनारा।